नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। नालसा क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सामने व्यापारी के गोदाम के बाहर खड़ा मक्का से भरा हुआ आयसर वाहन चोरी कर लिया। आयसर वाहन की चोरी की घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद होगी। बड़े ही शातिराना तरीके से रात को 3:10 पर इस वारदात को अंजाम दिया। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने बड़ी आसानी से आयसर वाहन को स्टार्ट कर पंप से लेकर फरार हो गए। आयसर वाहन मालिक और उसमें रखे हुए मक्का के व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस इस मामले में अब अज्ञात बदमाशों को ढूंढ रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन मालिक मोहम्मद अजहर नालसा निवासी का आयसर वाहन क्रमांक MH18A पंप के सामने व्यापारी राजमल बंसल के गोदाम के बाहर खड़ा था। उसमें करीब 110 क्विंटल मक्का यहां के व्यापारी राजमल बंसल की थी, जो कि महू के किसी पोल्ट्री फार्म में ले जाना था। सुबह 7 बजे ड्राइवर आयसर वाहन को महू ले जाने के लिए व्यापारी के गोदाम पर पहुंचा तो वहां वाहन गायब था। इस बात की सूचना वाहन मालिक को दी। गाड़ी मालिक व व्यापारी राजमल बंसल अंकित बंसल मौके पर पहुंचे तो वाहन की तलाश शुरू की, लेकिन वाहन नहीं मिला। पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में देखने पर पता चला कि रात को 2:30 बजे एक कार में कुछ बदमाश पंप के पास गैस एजेंसी के सामने आधे घंटे तक खड़े रहे। उसके बाद 3 बजे अज्ञात बदमाश आयसर वाहन के पास आए और उसमें बैठकर कुछ देर बाद वाहन स्टार्ट कर आयसर वाहन को लेकर रफू चक्कर हो गया। पंप संचालक नंद किशोर शर्मा ने बताया कि रात करीब 3 बजे पेट्रोल डीजल का टैंकर खाली हो रहा था। इस दौरान बदमाशों ने आसपास रेकी करने के बाद वाहन चोरी करके ले गए। भैया गाड़ी चोरी हो चुकी है, मक्का भरी थी गाड़ी थी। रातू साइड बंसल के यहाँ से अपन ने मक्का लोड की थी मऊ के लिए। 10 टन 800 किलो माल है। गाड़ी करीब रात में 3 बजे के आसपास चोरी हुई है और दो लोगों को देखा गया है कि एक कार चला के लाया था और एक गाड़ी चला के ले गया है सर। गाड़ी नंबर क्या है आपकी? गाड़ी नंबर है MH18A9688। वाइट कलर की गाड़ी है, 11-14 है और उसमें माल भरा था 10 टन 800 किलो मक्का मऊ के लिए। आपने थाने पे आवेदन दिया? हमने तो आवेदन दे दिया है, तहकीकात चल रही है, वो भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, सब जो ढूंढ लिया हमने भी, अब कोशिश जारी है। अब देखिए अब जो होता है, मिलने की पूरी मतलब कोशिश है कि मिल जाए और माल दोनों सही सलामत। फुटेज में दिखा गाड़ी जाते हुए किधर है? गाड़ी फुटेज में देखी गई है कि इधर ही मतलब धार रोड से नूनरा तक दिखी है और नूनरा से धार बाटे के लिए निकली गई। उसके बाद गाड़ी का कुछ पता पता नहीं चल रहा है, वो ढूंढ रहे हैं। अब देखो आसपास गांव में सब लोग देख लिया और अभी आगे भी देखना है, अभी जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे क्या है। गाँव में क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद अजहर है, गाड़ी मेरी है, माल सेठ का भरा था दूसरे, वो सेठ भी गाड़ी ढूंढ रहे हैं, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। कल शाम को आयसर गाड़ी गाड़ी नंबर MH18A9688 में मक्का 180 बोरी 108 कुंटल करीब 3.5 लाख रुपए की मऊ के लिए भरी थी। शाम को भरने के बाद में गाड़ी अपने गोडाउन पे ही खड़ी करी, गोडाउन पर खड़ी करके जब गाड़ी सुबह जाना थी तो ड्राइवर सुबह गाड़ी लेने गया तो गाड़ी नहीं पड़ी गई वहां पर। पता तफ्तीश करने के बाद में सीसीटीवी कैमरा देखा तो रात को 3:08 पर गाड़ी एक कोई अज्ञात व्यक्ति एक कार लेके आया था, वो कार दूर खड़ी करके ना उसमें 3:08 पर वो यहाँ से निकला, वो यहाँ से वहाँ तक तफ्तीश करी, तफ्तीश में लुनेरा तक गाड़ी मिली है, लुनेरा से धामनों तक तरफ गई है गाड़ी वो। उसके बाद में पुलिस वाले को भी पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई और हम भी हमारे स्तर से देखभाल कर रहे, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। मैं राजमल बंसल राजू बंसल हर रामला धोलाल के नाम से गाड़ी वो खड़ा हुआ है, अनुज्ञा अपना हर रामला धोलाल के नाम से गाड़ी माल कर। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए नक्शा से रविंद्र सिसोदिया की रिपोर्ट।